ये वाला मेटल वाला ट्रांजिस्टर पर हमारा दो पिन होता है और दूसरा जो हमारा बॉडी है वही हमारा तीसरा पिन होता है, ठीक है। इसका कलेक्टर होता है। आपको कलेक्टर पर सबसे पहले आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कलेक्टर पर मैं वोल्टेज यहाँ पर हमारा, हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। तो आज देखिए मेरे पास आया है एक हमारा आहूजा का हमारा एक 250 वाट का एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर है SSA और हमारा 250M, ठीक है। तो ये हमारा एम्पलीफायर मेरे पास आया है, हमारा ओरिजिनल हमारा आहूजा ब्रांड का एम्पलीफायर है और बहुत ही दमदार और बहुत ही हेवी सा एक एम्पलीफायर है। तो मेरे पास आज ये एम्पलीफायर आया है, कस्टमर का कहना है कि इसके अंदर कुछ फॉल्ट है, तो फॉल्ट है इसलिए मेरे पास आया है, वरना नहीं आता। तो इसे रिपेयरिंग करूँगा और इसका फॉल्ट का रीज़न आपके साथ भी हो सकता है ऐसा फॉल्ट, अगर आपके पास आहूजा एम्पलीफायर होता है ऐसा कोई भी एम्पलीफायर होता है इस टाइप सा, तो इसमें फॉल्ट काफ़ी आते हैं फ्रेंड। और बहुत सारे डीजे भाई साहब जो कहते हैं कि ये फॉल्ट हमारे साथ भी, हम भी रियलाइज़ करते हूँ। तो फ्रेंड ऐसा जो फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, ये बहुत ही कॉमन एक फॉल्ट है कि हमारा एम्पलीफायर जो है, एम्पलीफायर का साउंड हमारा जब कम वॉल्यूम पे बजता है तो हमारा एम्पलीफायर का साउंड फट जाता है। तो फ्रेंड ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है इसका एक रीज़न है, तो रीज़न काफ़ी सारे होता है, जो हमारा 90% जो रीज़न है वही मैं आज आपको बताऊँगा। इसमें जो फॉल्ट है लगभग 90% एम्पलीफायर में ऐसा ही सेम फॉल्ट हमारा आता है, और ये फॉल्ट रिपेयरिंग आप चुटकी में कर सकते हो। आपको कोई भी मैकेनिक के पास आपको ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो को देखोगे शुरू से लास्ट तक, तो मैं गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप भी सीख जाओगे, आप बहुत ही आसानी से आप रिपेयरिंग करना जो ये वाला फॉल्ट है आप उसे फिक्स कर सकते हो, फिर आप सीख जाओगे, ठीक है। आपको फॉल्ट दिखाऊंगा, उसके बाद वोल्टेज भी दिखाऊंगा और कहाँ से क्या करना है सब कुछ दिखाऊंगा। मैं इस टाइप का वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन आज फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ। आप फिर से देखना, आपको और भी ज़्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो आज का जो फॉल्ट है उसके लिए अगर आप एम्पलीफायर को अगर आप ठीक करना है, तो आपको सबसे पहले आपको इस टाइप से आपको एक जो मल्टीमीटर डिजिटल वाला होता है आपको चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड आपको मल्टीमीटर चाहिए, और दूसरी बात फ्रेंड आपको सबसे पहले थोड़ा जानकारी होना चाहिए एम्पलीफायर के बारे में। अगर आप नए नए हो तो आपको एम्पलीफायर के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए कि एम्पलीफायर में अगर आपका मिक्सर वगैरह से फॉल्ट तो नहीं है, एम्पलीफायर में ही है ना। तो आज मैं आपको सबसे पहले फॉल्ट दिखाऊँगा, उसके बाद मैं रिपेयरिंग करके दिखाऊँगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले मास्टर को जीरो कर लेता हूँ। ये हमारा मास्टर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा टेबल है, ये हमारा ओवरलोड के लिए रीसेट स्विच यहाँ पर लगा है, और यहाँ पर हमारा इसका जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा सिंगल सप्लाई का ट्रांसफार्मर है, और हमारा ड्यूअल फीडबैक का हमारा एक आउटपुट ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर हमारा एक फीडबैक के लिए 3 पीस 3773 हमारा ट्रांजिस्टर लगा है, और दूसरे फीडबैक के लिए भी हमारा 3 पीस 3773 लगा है। और यहाँ पर इसका जो ड्राइवर बोर्ड है, तो फ्रेंड ये जो ड्राइवर बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ड्राइवर बोर्ड जो हमारा है ये लगभग हमारा 160 वाट से लेकर 500 वाट तक ईजिली यूज़ हो जाता है, 600 वाट तक भी हमारा हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए हमारा 15000 UF और 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है, जो बहुत ही अच्छा है, ठीक ठाक है। तो आहूजा का चीज़ ही अच्छा है, आहूजा एम्पलीफायर बहुत ही ज़्यादा हमारा टिकता है। एक हमारा आहूजा, दूसरा हमारा चेंजर, ये दोनों एम्पलीफायर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ देगा। अगर आपने एक बार पैसा लगा के ये एम्पलीफायर खरीद लिया ना फ्रेंड, आपको इजीली मार्केट में आप सेल भी कर सकते हो सेकेंड हैंड, और आपका जो रिपेयरिंग खर्चा भी ज़्यादा भी नहीं आता है, और दूसरा फ्रेंड ये हमारा ख़राब होता ही नहीं, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए आप असली टॉपिक पर हमारा चलते हैं, जो मेन हमारा जो पॉइंट है, हमारा साउंड एम्पलीफायर फटता है। तो देखिए सबसे पहले आप साउंड को अच्छे से ध्यान से सुनना। तो एम्पलीफायर मैंने ऑन करता हूँ, देखिए एम्पलीफायर ऑन हो गया है, थोड़ा मास्टर देता हूँ, अच्छे से आप सुनना, ठीक है।
हमने अगर ढंग से देखा है तो मैं जब एम्पलीफायर का वॉल्यूम ज़्यादा दे रहा हूँ तब तो साउंड हमारा लगभग ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन जब मैं साउंड थोड़ा कम करता हूँ तो साउंड बिल्कुल फटी फटी हमारा आवाज़ आती है, दबी दबी सा आवाज़ आता है फिर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका अंदर एम्पलीफायर के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम चेक कैसे करना है? तो चलिए फिर, वीडियो ज़्यादा लंबा करने का कोई भी मकसद नहीं है, मैं डिटेल से कह रहा हूँ फिर। अगर आपके पास अगर 10 मिनट टाइम होगा ना तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, फिर अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसे ही आप नहीं सीख पाओगे। अगर आपने सोचा कि 2 मिनट में ऐसा हो जाता है तो नहीं फ्रेंड, ऐसा कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अगर सीखना है तो आपको टाइम देना है, ढंग से देखना है, जैसे दिखाऊंगा वैसे करना है। एक बार देखोगे पूरी ज़िंदगी सीखोगे, पैसा भी कमाओगे, खुद का पैसा बचाओगे भी, दोनों ही आपका ही फायदा होगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले मल्टीमीटर को हमारा करते हैं, हमारा 20 बार सेलेक्ट करते हैं। आप 200 बार भी कर सकते हो, 20 बार भी कर सकते हो। तो मैं मल्टीमीटर को यहाँ पर फ्रंट में रखता हूँ, ठीक है? तो मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर रखा है और हमारा मैंने यहाँ पर सेलेक्ट ही कर दिया, हमारा 200 पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। और दूसरा फ्रंट आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का फ्रंट हमारा हमेशा 2 पॉप होता है, ये आपको पता है, और यहाँ पर आपको रखना है ऐसे। आप कहाँ पर भी आप ग्राउंडिंग कर सकते हो पूरे एम्पलीफायर पर। तो रुकिए मैं यहाँ पर ग्राउंडिंग कर देता हूँ फिर। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा लाइट का इशू हो सकता है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ मल्टीमीटर को। बिल्कुल आप ध्यान से देखना, आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। अगर आपका मर्जी है तो एक लाइक मेरे लिए कर सकते हो। अगर आप लाइक करोगे तो लाइक करने से पैसा नहीं मिलता है फ्रेंड, सिर्फ हमारा मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है नया वीडियो के लिए, ठीक है? क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा अगर आप लाइक कर दोगे तो अच्छा लगता है बहुत ही। तो मैंने सीधी से क्या किया है, मल्टीमीटर को मैंने 200 पर मैंने सेलेक्ट किया है, एक पॉप मैंने यहाँ पर ग्राउंडिंग किया है और दूसरा रेड वाला पॉप। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर का हमारा 3 पिन होता है, मतलब ये वाला मेटल वाला ट्रांजिस्टर पर हमारा 2 पिन होता है और दूसरा जो हमारा बॉडी है वही हमारा 3रा पिन होता है, ठीक है? इसका कलेक्टर होता है। आपको कलेक्टर पर सबसे पहले आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कलेक्टर पर मैं वोल्टेज यहाँ पर हमारा 38.78 वोल्ट कुछ आ रहा है, उसे छोड़िए, तो ये हमारा पॉजिटिव पर आ रहा है तो ठीक ठाक है। दूसरा हमारा इमीटर पर देखिए, इमीटर पर मैंने यहाँ पर लगा है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल 0 वोल्ट है, क्योंकि इमीटर पर हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं आएगा। और हमारा तीसरा जो देखिए, इसका बेस वाला वायर पर मैं जब लगा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए कितना वोल्टेज दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर पॉइंट में कुछ मिली वोल्ट पर दिखाएगा, तो आपको और भी अच्छे से देखने के लिए आपको मीटर को हमारा 20 पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने मीटर को मैंने 20 वोल्ट DC पर मैंने मीटर को सेलेक्ट कर दिया है फ्रेंड। आप इसके बाद फ्रेंड आप देखिए, मैंने यहाँ पर लगाता हूँ और मीटर पर देखिए हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, हमारा 0.42 वोल्ट आ रहा है। तो फ्रेंड ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बायसिंग वोल्टेज होता है। तो बायसिंग वोल्टेज हमारे एम्पलीफायर का साउंड का पूरा डिपेंड करता है कि अगर बायसिंग वोल्टेज अच्छा नहीं आएगा तो आपका एम्पलीफायर कभी भी अच्छा क्वालिटी साउंड आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको बायसिंग वोल्टेज बढ़ाना है। तो एम्पलीफायर का बायसिंग वोल्टेज आप कैसे बढ़ाओगे, सीधी सी बात फ्रेंड, आप बोर्ड पर देखना है, यहाँ पर आपको एक पीसेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर देखिए आपको ये वाला बोर्ड पर आपको देखने को मिलेगा, एक हमारा पीसेट देखने को मिलेगा जो हमारा 100 ओम्स का एक हमारा पीसेट होता है। तो ये पीसेट हमारा जब डिसबैलेंस हो जाता है तब हमारा ऐसा प्रॉब्लम होता है और ख़राब भी होता है तब भी हमारा ऐसा होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, पीसेट अगर डिसबैलेंस हो गया तब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है और ख़राब होता है तब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, बायसिंग वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है। और फिर काफ़ी बार हमारा दो हमारा 1K रेजिस्टेंस इसके पास में फ्रेंड हमारा यहाँ पर लगा रहता है, ये वाला 2 रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस अगर ख़राब हो जाएगा तो तब भी हमारा ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारा इसे थोड़ा घुमा के एडजस्ट करना पड़ेगा और वोल्टेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का कंडीशन आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लगाता हूँ मीटर को, अभी देख लीजिए हमारा 0.42 वोल्ट है, ठीक है? और इसके बाद देखिए मैंने थोड़ा यहाँ पर एक छोटा सा पेचकस से मैं ऐसे घुमा रहा हूँ इस यहाँ पर, रुकिए थोड़ा, आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा पेचकस मैंने लिया और पीसेट को मैं ट्यून कर रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, एक वॉल्यूम जैसा ही है, यहाँ पर मैंने थोड़ा बढ़ाया, बढ़ाने के बाद मैंने रखा। बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, ऐसे कोई नहीं आपको इतना डिटेल से कोई भी नहीं आपको बोलेगा, ठीक है मैम? तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, देखिए हमारा वोल्टेज थोड़ा बढ़ गया है, आप लगभग 0.5 वोल्ट आसपास के आपको रखना है। तो ये लगभग ठीक ठाक है, थोड़ा और भी थोड़ा कर देता हूँ और भी हमारा साउंड अच्छा होगा, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा मत करना फ्रेंड, वरना ज़्यादा करोगे तो हमारा ट्रांजिस्टर थोड़ा हीट हो सकता है। तो 0.5 से 0.6 वोल्ट कर देना, कोई भी हमारा दिक्कत नहीं होगा। तो
तो यहाँ पर रुकिए फैन थोड़ा, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो मैंने और भी थोड़ा मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ फैन, ठीक है। तो आपको रुकिए, मैंने थोड़ा और भी थोड़ा बढ़ा दिया है। अब चलिए देखते हैं कितना हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो हमारा लगभग आ गया है, लगभग हमारा 0.4 वोल्ट के, जो हमारा 0.5 वोल्ट के आसपास आ गया है। तो फ्रेंड हमारा पॉइंट के बाद जो हमारा वोल्टेज आता है ना, उसे ऐसे नहीं कहते पॉइंट, मतलब यहाँ जो 54 ऐसे वोल्ट नहीं कहते, पॉइंट हमारा 54 वोल्ट कह सकते हो। अगर आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ 0.5 दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्या दिखा रहा है, सिर्फ 0.5 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। अच्छे से मेजरमेंट करने के लिए हमें 20 पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप चलिए थोड़ा साउंड देखते हैं कैसे हुआ, साउंड ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ लाइव आपको दिखाऊंगा। देखिए तो मैंने आपको दिखा है, आप बिल्कुल साउंड ठीक ठाक हो गया। फिर भी मैं बिल्कुल इसका साउंड थोड़ा देता हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। फ्रेंड आप इसका जो साउंड है बिल्कुल हमारा क्लियर क्रिस्टल एकदम साउंड आ गया है, लो वॉल्यूम पर भी कोई भी साउंड नहीं फट रहा है। तो सिर्फ एक भी रुपया मैंने खर्च नहीं किया, फिर भी एम्पलीफायर ओके हो गया। तो आज का वीडियो अगर आप पूरा देखो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आपके साथ ऐसा होता है जैसे मैंने दिखा है ऐसा करना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो लगभग लंबा हो गया है और लंबा नहीं करना चाहता हूँ फ्रेंड, छोटा सा फॉल्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ऐसे अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और पास में जो हमारा बेल वाला जो आइकन है उसे भी आप प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड, मैं जब भी वीडियो दूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बाय बाय, ठीक है। तो चलिए।